केरल के कोझिकोड में शुक्रवार को निपाह वायरस के एक ताजा मामले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संक्रमण की चपेट में आने वाले मरीजों की कुल संख्या अब 6 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 2 बन गई। केरल निपाह के मामलों में नए सिरे से वृद्धि से गुजर रहा है और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस संक्रमित चमगादड़, सुअर या लोगों के शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में से फैलता है। इस वायरस का पहली बार 2018 में पता चला था और स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार हाई अलर्ट मोड पे है और उन लोगों की जाँच कर रही है जो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में रहे। आपको बता दें कि केरल स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि उसने पॉजिटिव रोगियों के कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुल 1080 व्यक्तियों की पहचान की है और सैंपल एकत्र करना शुरू कर दिया है। और इसी बीच सरकार वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास कर रही है और ICMR ने शुक्रवार को घोषित किया है कि वह इसके इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की 20 और खुराक खरीदेगी।